नागपुर के बाहर जाने वाले ऑक्सीजन टैंक जो 2-3 दिनों से लापता थे वो प्रशासन की मदद से पकड़े गए हैं, ऐसी जानकारी प्यारे खान इन्होंने दी है। प्रशासन को इस बारे में प्यारे खान इन्होंने जानकारी दी थी। शहर में ऑक्सीजन से जुड़ी कोई भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने प्यारे खान इनको दी थी, जिसके चलते शहर में 4 ऑक्सीजन टैंकर भिलाई से आने वाले थे, जिसकी ट्रैकिंग प्यारे खान द्वारा बीते 4 दिनों से की जा रही थी। हालांकि इन 4 दिनों में सबसे पहले तो ड्राइवर ने ये कहा कि लोडिंग नहीं हुई है, जिसके बाद फिर पूछे जाने पर कहा गया कि गाड़ी में रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। इसके बाद जब प्यारे खान ने वहाँ मैकेनिक भेजे तो वहाँ जाके पता चला कि 4 गाड़ियाँ वहाँ से गायब है। इस पर प्यारे खान ने प्रशासन से इस बारे में शिकायत की व उनके सहयोग से इस मामले में कार्यवाही की गई और उन्हें इस मामले में सफलता हासिल हुई। इस संदर्भ में खुद प्यारे खान ने अधिक जानकारी साझा की है। 4 टैंकर का हमारा ट्रैकिंग चल रहा था जो भिलाई से नागपुर आने थे, तो हमने ड्राइवर से बात की कि भाई क्या हुआ, तो बोले पहले लोड नहीं हो रहा करके, बाद में बोले क्या गाड़ी में रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो सेकंड डे मैंने बात किया, गाड़ी रिपेयर हो गई, तो बोले नहीं रिपेयर नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ से अपने मैकेनिक और रिपेयर की टीम यहाँ से नागपुर से भिलाई भेजी, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि 4 गाड़ी गायब है। फिर हमने कलेक्टर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब इन दोनों को भी शिकायत की, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा। तो फिर जब ड्राइवर का ट्रैकिंग किया हमने GPS के थ्रू और उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, तो 2 गाड़ी देवरी बॉर्डर पे RTO ने पकड़ा और उसके बाद 2 गाड़ी औरंगाबाद जालना के बीच में पकड़ी गई, तो ऐसी 4 गाड़ी पकड़ी गई। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे में कुछ लिक्विड बेचने के लिए लेके जा रहे थे, तो इनके मालक की और ड्राइवर की मिली भगत से काम हुआ है। धन्यवाद। बता दें कि गुरुवार रात से ही ये कार्यवाही शुरू थी। प्यारे खान ने इस वक्त ये भी बताया कि लिक्विड ऑक्सीजन को ज्यादा पैसों में बेचने के उद्देश्य से ट्रक मालक और चालक ने ये योजना बनाई थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।